कोटा में कोरोना वायरस गदर मचा रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन तनाव में रहकर नौकरी कर रहे हैं। लंबे वक्त तक बिना अवकाश के काम करते रहने से अब ये तनाव बाहर निकलने लगा है। राजस्थान नर्सिस यूनियन कोटा के अध्यक्ष दीपक शर्मा का भी इसी तरह के तनाव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दीपक शर्मा ने चिकित्सा महकमे की पोल खोल कर रख दी है। दीपक शर्मा ने जिला प्रशासन व चिकित्सा महकमे पर आरोप लगाते हुए लगातार ड्यूटी करने के बावजूद भी नर्सिंग स्टाफ को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। करीब 12 मिनट के वीडियो में दीपक शर्मा ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन, सीएमएचओ पर सवालों की झड़ी लगाते हुए उन्हें भी चिकित्सकों की भांति सुविधाएं देने की मांग की। दीपक ने कहा कि चमचों को ऑफिस से बाहर निकालकर फील्ड के काम में लगाएं। दीपक ने जिला प्रशासन व चिकित्सा अधिकारियों से गुहार लगाते हुए सही व्यवस्था की मांग की है। मैं 3 मार्च 2020 से रेगुलर सेवाएं अपनी कोटा मेडिकल कॉलेज कोटा को दे रहा हूँ। 24 तारीख को मुझे ओपीडी कोरोना का इंचार्ज बनाया गया था, जेकेलोन ओपीडी का, जिसकी व्यवस्थाएं मेरे द्वारा, मेरे दो नर्सेज साथी शिवानी गोचर, सुगना मीणा के द्वारा बिल्कुल रेगुलर उस ड्यूटी को किया गया है। हमें जो सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, सबकी तरफ से, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की तरफ से, मुख्य और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी की तरफ से जो हमें सुविधा दी जा रही है वो दी जाए, वो नहीं दी जा रही साहब, कट्टे में खाना दिया जाता है।